आम आदमी पार्टी ब्यावर ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बहाल करने तथा मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। उक्त मांग को लेकर आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम SDM को एक ज्ञापन दिया। SDM के मार्फत राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में आप पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 3 माह से मणिपुर धू धू कर जल रहा है। महिलाओं को सरेआम निर्वस्त कर उनके साथ अनाचार किया जा रहा है। इन विभत्स घटनाओं पर नियंत्रण में बीरेन सरकार पूर्णतया नाकाम हो चुकी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। मणिपुर कृत्य से पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। इससे विश्व स्तर पर भारत की साख को बहुत बड़ा बट्टा भी लगा है। आम आदमी पार्टी ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू की मांग करती है। ज्ञापन में राज्यसभा में मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह का निलंबित कर दिया गया, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग करती है। ज्ञापन देने के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने मोदी सरकार हाय हाय, संजय सिंह को निलंबन रद्द करो, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से सरे के नारे लगाए। ज्ञापन देने वालों में नीलेश बुरट, विनोद गर्ग, बाबूलाल सेन, खियाराम सिंगारिया, शौकीन काठात, चंगेज खान, राधा वल्लभ माहेश्वरी, एडवोकेट मनोज पारूपाल, भावेश गंगवानी, लीलाधर दादीज, मूलचंद अग्रवाल, पप्पू काठा तथा मिश्रीलाल काठा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। राज्यसभा के अंदर जिस तरह से मणिपुर को लेकर, मणिपुर की चर्चा को लेकर संजय सिंह ने आवाज उठाई, उस आवाज को दबाने का प्रयास किया गया और संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। तो अगर संजय सिंह इसमें दोषी हैं, जबकि अगर आवाज उठाना अगर दोष है तो आम आदमी पार्टी का हर आदमी आवाज उठाएगा, सभी को आप निलंबित कर दीजिए। उसी को लेकर हमने यहाँ ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से मणिपुर की जो स्थिति है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, उस राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगा रहे हैं, उल्टे जो विपक्ष आवाज उठा रहा है उसको राज्यसभा से पूरे मानसून सत्र के लिए बाहर कर दिया जा रहा है। इससे पता लग रहा है कि किस तरह से मोदी सरकार, केंद्र सरकार और बीरेन सरकार डरी हुई है। हम मांग करते हैं बीरेन सरकार का इस्तीफा मांगते हैं और राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं और संजय सिंह के निलंबन को वापस लेने की मांग करते हैं। राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने उपखंड अधिकारी को यही ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, विपक्ष को दबा रही है, उसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा जरूरी और आवश्यक है।